हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट अवर 10th चैप्टर पैटर्न्स। तो देखिए, आज हम पैटर्न चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैटर्न क्या होता है। तो पैटर्न होता है किसी भी चीज़ का अरेंजमेंट, रिपीटेड अरेंजमेंट। देखिए, वी हैव लर्न दैट पैटर्न आर द रेगुलरली रिपीटेड अरेंजमेंट ऑफ कलर शेप डिज़ाइन ऑन ए सरफेस। किसी भी सरफेस पर हमें कलर्स का, शेप का या कोई भी नंबर्स का हमें जो अरेंजमेंट दिया होता है रिपीट करके, तो वो उसे हम पैटर्न बोलते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, पहले अब एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल पहले ग्रीन है, फिर रेड हमारा पिंक, फिर ग्रीन, फिर पिंक, फिर ग्रीन, पिंक, पिंक। तो ये एक तरह का पैटर्न है, मतलब एक एक छोड़ के हमें वो पैटर्न यूज करना है। इसी तरह सर्कल है, आप देखिए यहाँ से पहले हमारा ट्रायंगल बना हुआ है, फिर यहाँ पे सर्कल, फिर ट्रायंगल। तो इस तरह से कोई भी आपको शेप दे सकते हैं। जैसे हमने पहले ट्रायंगल लिया, फिर सर्कल, फिर ट्रायंगल, फिर सर्कल, फिर ट्रायंगल, तो इसके बाद क्या आएगा हमारा? सर्कल, फिर क्या आएगा? ट्रायंगल। तो ये हमारा पैटर्न हो जाता है एक तरह से। तो इसी तरह से हमने देखिए, 10th जो चैप्टर है आपका बुक वर्क में ही है, तो हम सारा बुक में ही कंप्लीट करेंगे इसको। तो देखिए, हमें पैटर्न देखना है कौन सा है। तो देखिए, जैसे अब 2 है, 2 के बाद 12, फिर 22, 32, 42। तो देखिए, आपको पता चल रहा है इसमें 10 ऐड किए हुए हैं। देखिए, 2 में 10 ऐड किए, 12 आ गए, फिर इसमें 10 ऐड किए, 22, फिर 32, 42, फिर इसके बाद क्या आएगा? 52, 62, 72 एंड 82। तो इसमें हम इसमें 10 जोड़ते जाएंगे। फिर देखिए, 26 से 24, अब इसमें कई बार जोड़ भी देते हैं। अब देखिए, इसमें क्या किया हुआ है, यहाँ से 10 ऐड किए हुए हैं। अब यहाँ से देखिए, 26 से 24 हो रहा है, तो यहाँ पे 26 से 2 लेस किए हैं, तो 24 हो गया। फिर यहाँ से भी 2 लेस किए, यहाँ भी 2 लेस किए, यहाँ पे भी 2 लेस किए। तो इसी तरह से हम आगे आगे 2 लेस करेंगे। 18 में से 2 लेस किए, 16, फिर 14, फिर 12, फिर 10। तो इसी तरह आगे आगे हम करते जाएंगे। फिर यहाँ से देखिए, 12 के बाद 15, मीन्स इसमें ऐड किए हुए हैं यहाँ से 18, तो इसमें 3 ऐड किए हुए हैं, यहाँ भी 3 ऐड किए हैं, यहाँ भी 3 ऐड किए हैं, यहाँ भी 3 ऐड किए हैं। तो फिर हम आगे भी नेक्स्ट 3 ऐड करेंगे। 24 में 3 ऐड किए, 27, 27 में 3 ऐड किए, 30, 30 में 3 ऐड किए, 33, फिर 36, ऐसे 3 ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हमारा 105, फिर 205, 305, 405, 505। अब देखिए, इसमें सब में 100 ऐड करके हैं, तो देखिए सब में 100 ऐड किए, तो इसमें भी 100 देखेंगे। 400 के बाद 505, फिर 605, 705, 805, 905। तो ये हमारा पैटर्न बन जाएगा। जैसे हमें जो रेगुलर पैटर्न यूज़ कर रहे हैं उसमें ही रेगुलर रिपीट हमें वही अरेंजमेंट करना है। देखिए, अब 75 से 70, फिर 65, 60, 55। देखिए, सब आपको दिख रहा है 75 से 70 कैसे बने? -5 कर दिए, इसमें से 5 लेस किए 70, फिर इसमें से 5 लेस किए, इसमें से भी 5 लेस किए, इसमें से भी, तो यहाँ से भी हम 5 लेस करेंगे। तो 55 से क्या बनेगा? 50, फिर 45, फिर 40, फिर 35। तो इस तरह से 5 लेस कर दिया। अब देखिए, ए ए ए के साथ ए, फिर ए के साथ बी, ए के साथ सी, ए के साथ डी, ए के साथ ई। तो हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट तो ए तो हमारा रहेगा ही। अब देखिए, ए के बाद ए लगाया, ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, तो हम ई के बाद ए एफ, फिर ए रहेगा एफ के बाद जी, फिर ए रहेगा जी के बाद एच, फिर ए रहेगा ए के साथ एच के बाद आई, तो ए आई। तो ये हमारा होगा पैटर्न। फिर देखिए, ए के साथ 1, बी के साथ 2, सी 3, डी 4, ई 5। तो देखिए, ए बी सी डी पैटर्न है हमारा। पहले ए बी सी डी, फर्स्ट लेटर तो ए बी सी डी चल रहा है, तो देखिए ए के बाद बी सी डी ई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ जी एच आई। फिर काउंटिंग में हमारा क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 के बाद हमारा है 6, 7, 8, 9। तो ये हमारा हो गया पैटर्न। फिर देखिए, ए बी के साथ 0, सी डी के साथ 1, ई एफ 2, जी एच आई जे। तो देखिए, ए बी सी डी ई एफ 2 जो हमारे लेटर्स हैं उनको इकट्ठा लिख रखा है। तो देखिए, आई जे के बाद क्या आएगा? के एल एम एन ओ पी क्यू आर। फिर काउंटिंग में हमारा 0, 1, 2, 3, 4 है, 4 के बाद 5, 6, 7, 8। तो ये थे हमारे पैटर्न। तो आपने अपना पैटर्न ढूंढना है कि इसमें क्या क्या कर रखा है, तो उसके बाद हम उसको लगातार जो है हमारा कंटिन्यू उसको लिखते जाएंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज 10.1 पैटर्न। तो इसके बाद हम
नेक्स्ट हम अगली एक्सरसाइज हम 10.2 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके स्टूडेंट, तो आपने 10.1 आपने अपने सॉरी बुक में ही कंप्लीट करनी है, क्योंकि ये बुक में ही है सारा वर्क, तो हम इसको बुक में कंप्लीट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.